अस्सलाम वालेकुम जी, आज की इस वीडियो में इस शेड पे कितना खर्चा आया आपके साथ मुकम्मल शेयर करूंगा। छत से लेके नीचे फ्लोर तक जाली वगैरह, लोहे के पाइप, लेबर कॉस्ट, ए टू जेड सब चीज़ें शेयर करूंगा। तो आपने वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ये शेड पूरा बनाया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप पहले उसको देखें। तो यहाँ बात कर लेते हैं इसके खर्चे की। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो जो ये नीचे आपको इसकी बेस नज़र आ रही है, यहाँ पर हमने दो दो ईंटें लगाई थी, नीचे ये पाइप लगाए हैं पानी जो है शेड के अंदर सफाई का जो निकालने के लिए। तो इस पर तकरीबन 3500 रुपये खर्चा आया था विद लेबर, इसमें सीमेंट, रेत, बजरी सारा कुछ ऐड करके। तो इसमें तकरीबन 3500 रुपये खर्चा आ गया था। एंड में आपको सब कुछ मैं टोटल करके शेयर करूँगा, अभी वीडियो के दरमियान में होगा या एंड में होगा, वो आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। इसके बाद जो जाली है आपकी, माशाल्लाह जाली देखें, काफ़ी ये मोटी जाली है, स्पेशल जाली है। तो इसका खर्चा आपको मैं सबसे एंड में बताऊँगा। लेकिन यहाँ बात कर लेते हैं कि जो लोहे के पाइप लगे हुए हैं, ये पाइप और जो लोहे की पट्टी ऊपर है, इसके ऊपर हमारा कितना एक्सपेंस आया। तो देखिए, ये लोहे के पाइप आपको नज़र आ रहे हैं और ये साथ पट्टी मिला के तकरीबन इसके ऊपर 40,000 रुपये का खर्चा आया है, 40,000 रुपये। नीचे ये 1x1 इंच का पाइप लगा हुआ है, जबकि छत में हमने 1.5x1.5 इंच का लगाया है, वो आपको अंदर जाकर मैं दिखाऊंगा। इसके बाद ये लोहे की चादरें आपको नज़र आ रही हैं, जो कि हमने छत पे लगाई हुई हैं। बी रोल में आपको मैं ऊपर से भी दिखा दूंगा। इस पर तकरीबन हमारा खर्चा आया था 26,700 रुपये। जो रेंट का खर्चा है वो भी एंड में शेयर करूँगा। ये 80 GHP चादर है, काफ़ी मोटी चादर है। तो इस पर तकरीबन 26,700 रुपये खर्चा आया था। आप देख सकते हैं कि काफ़ी मजबूत है ये, मैं ऊपर खड़ा हुआ हूँ लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसके बाद शेड के अंदर चलते हैं, अंदर से जो एक्सपेंस है, जो चीज़ें लगी हैं, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो शेड के अंदर हम आ चुके हैं नंबर वन पर। ये जो आपको अंदर थर्मोपोल शीट नज़र आ रही है, ये हमने तकरीबन 4x4 फीट के पीस इसके अंदर लगाए हैं, ताकि जो गर्मी और सर्दी के नीचे ना आए। ये हमें मिली तकरीबन 6,000 रुपये थी। ये आप देख सकते हैं कि सारी छत में हमने इसको फिक्स किया है, ताकि जो गर्मी है वो नीचे ना आए और हमारे बर्ड हेल्दी और एक्टिव रहे। इसके बाद जो आपको ये जाली नज़र आ रही है, इसके नीचे हमने ये बारीक जाली लगाई है, क्योंकि यहाँ पर इतना मसला नहीं था। इसके ऊपर लोहे की चादरें भी ऐड है। तो ये जो जाली है, ये तकरीबन हमें 50 फुट लगी थी, ये 5,500 रुपये का रोल मिला था। तो ये काफ़ी मतलब कि कम खर्चे में हमारी छत क्लियर हो गई थी। इसके बाद जो बाकी खर्चे हैं एंड में आपको टोटल करके बताऊँगा, तो उनको आपने लाजमी सुनना है। ये छत में हमने पाइप लगाई, ये 1.5x1.5 इंच का लगाया, ताकि छत मजबूत हो जाए। और यहाँ पे ये जो एग्जॉस्ट फैन आप देख रहे हैं, ये 3,300 रुपये का हमें मिला था। और इसको लगाने का मकसद ये है कि अंदर केज के अंदर नमी कंट्रोल रहे और बर्ड की ब्रीड अच्छी आती रहे। इसको हमने ये पाइप से यहाँ से तार लेके यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट किया है। और यहाँ पर आप माशाल्लाह कुछ बजेस को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी और एक्टिव हैं। टेम्परेचर आप देखें कि 40 के पास खड़ा हुआ है, लेकिन कोई परिंदा हाँफ नहीं रहा, सबके सब बर्ड माशाल्लाह काफ़ी मज़े में है, फ्लाइंग कर रहे हैं। तो इनको इस्तेमाल करवा रहा हूँ मैं, ये इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रो प्लस एंड इलेक्ट्रो ग्रो। यहाँ पर आप मेरे को मैं लव बर्ड्स में भी दिखा देता हूँ। तो लव बर्ड्स के पेयर भी आप माशाल्लाह देखें, काफ़ी हेल्दी बैठे हैं, काफ़ी खुश हैं। यहाँ पे कोई बर्ड हाँफ नहीं रहा, टेम्परेचर 40 के पास खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप इनको भी चेक कर सकते हैं कि ये भी काफ़ी खुशी से बैठे हुए हैं। तो इनको इलेक्ट्रो प्लस और इलेक्ट्रो ग्रो यूज़ करवा रहा हूँ, जो कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 03465288913 पर रब्ता करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। एक ही प्राइस 750 है, लेकिन अगर आप दोनों मंगवाएंगे तो आपको सिर्फ 1200 के मिल जाएंगे, यानी 300 का डिस्काउंट चल रहा है। तो आप इस डील से फ़ायदा उठा सकते हैं। सब बर्ड्स को ये इस्तेमाल करवा रहा हूँ। और अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ, तो इस पानी के अंदर मैंने इसको ऐड करके दिया हुआ है, और आप बर्ड्स को माशाल्लाह देख सकते हैं कि सब के सब बर्ड्स बहुत ही हेल्दी बैठे हुए हैं, और ये बर्ड ब्रीडिंग के मूड पर भी आ गए हैं। तो आप भी ये इलेक्ट्रोलाइट अपने बर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी आपको शेड के अंदर काफ़ी कम बर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अभी और बर्ड्स को लाना है, क्योंकि उनके साथ किसके साथ अंडे बचे थे, कुछ पेयर ब्रीडिंग पर आए हुए थे, तो उनको अभी शिफ्टिंग नहीं की। इंशाल्लाह लव बर्ड्स के काफ़ी सारे पेयर हैं, बगीस में कुछ म्यूटेशन है, वो भी आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता दिखा दूँगा। और यहाँ पर ये जो दरवाजे के ऊपर लॉक लगा है, और जो तमाम नट यूज़ हुए हैं वेल्डिंग के लिए, जो मटेरियल यूज़ हुआ है, वो तकरीबन 8,500 रुपये का आया था। तो ये भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें लेबर कॉस्ट की, तो तकरीबन 2-2.5 दिन इसको बनाने में लगे थे, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से बनवाया था। जो लेबर कॉस्ट आई है वो 25,000 रुपये आई है, यानी 25,000 की लेबर कॉस्ट में हमारा ये पूरा शेड तैयार हो चुका है। और इसका जो साइज़ है आपको आखिर में बताऊँगा, और जो जाली का रेट आपके साथ शेयर करना था वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। पहले आप देख सकते हैं कि तमाम का तमाम शेड हमने डबल कोट पेंट किया है, और ये रस्टिंग के प्रोसेस को काफ़ी स्लो कर देता है, यानी कि पिंजरे को
कोई रंग नहीं लगेगा और हमारा शर्ट लॉन्ग टर्म चलेगा। तो इसके ऊपर जो खर्चा आया है वो तकरीबन 3500 रुपये आया है विथ लेबर विथ सारा कुछ। और ये जो आप पीछे देख सकते हैं जो ग्रीन बैकग्राउंड लगाया है ये भी तकरीबन इसके अंदर ऐड है। तो ये आप सब कुछ देख सकते हैं, इससे माशाल्लाह बर्ड्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। इन बर्ड्स को माशाल्लाह से आप चेक करें और इनमें भी माशाल्लाह कोई परिंदा हाँप नहीं रहा, ये सब पतों से तैयार होने वाले बर्ड हैं। तो इनको ये इलेक्ट्रोलाइट मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ जो कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रो ग्रो एंड इलेक्ट्रो प्लस, इनका रिजल्ट माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। इसलिए सेल कर लें तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इन बर्ड्स को दोबारा आप चेक कर लें, कोई एक परिंदा भी नहीं हाँप रहा, सबके सब बर्ड बहुत ही हेल्दी हैं, जबकि टेम्परेचर आपको मैं दिखा चुका हूँ। और दोस्तों अगर मैं सबसे एंड में बात करूँ कि किराए का खर्चा कितना आया था, तो देखिए जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो तकरीबन 2000-2500 रुपये के दरमियान आए हैं, जिन्हें हम जाली को लेकर आए हैं, पाइप को लेकर आए हैं, थर्मोपोल शीट हो गई, लोहे की चादरें हो गई, सबको ऐड करके तकरीबन 2000-2500 रुपये लगा था। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आपकी लोकेशन क्या है, तो मेरी लोकेशन रावलपिंडी की है, रावलपिंडी से ऑल ओवर द पाकिस्तान में सबके सब सप्लीमेंट्स फ्लाई करता हूँ। तो लोकेशन यहाँ की इंशाल्लाह बाकी बर्ड इसके अंदर छोड़ के वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दोस्तों अभी सबसे लास्ट पर ये जो जाली लगाई है इसकी क्या गेज है और इसकी क्या प्राइस है? देखिए ये 14 गेज की तार से बनी हुई जाली है जिसके अंदर 1 इंच से भी छोटा हमने होल करवाया है। तो ये हमें पड़ी है तकरीबन 28,000 रुपये की, 125 रुपये स्क्वेयर फुट। तो आप हिसाब लगा लें कि अगर आपने भी बनवाना है तो कितने की जाली आपको ये मिलेगी। तो दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं कि शर्ट पे टोटल खर्चा कितना आया। तो ये आप देख सकते हैं कि टोटल खर्चा तकरीबन 1,44,000 रुपये आ चुका है, लेकिन अभी एयर कूलर लगाना है, इसके बाद सोलर पैनल लगाना है और इसके साथ साथ पौधे वगैरह भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इंशाल्लाह ये तकरीबन 1.5 लाख तक पहुँच जाएगा, बल्कि उससे ऊपर हो जाएगा। तो खर्चा थोड़ा सा हो गया लेकिन शर्ट काफ़ी अच्छा बन चुका है। तो इसकी रेगुलर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें, और अगर आपने कुछ भी मंगवाना है तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, इंशाल्लाह हमारी टीम आपको फ़ौरन रिप्लाई करेगी और ये सब प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो इसकी लंबाई है 15 फीट और इसकी चौड़ाई है तकरीबन 11 फीट और हाइट इसकी हमने 8 फीट रखी है, ताकि जो कलोनी के अंदर जो ऐसा कलोनी हमने बर्ड छोड़े हैं उनको भी मसला ना हो, उनकी प्रोग्रेस भी आती रहे और केज बर्ड भी काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करें। अगर आपने इस तरह की और वीडियोस देखनी है तो कमेंट लाजमी करें, इसके मतलब जो टॉपिक आप कहेंगे मैं वीडियो बना दूँगा और आपने फुल सपोर्ट दिखानी है। और जिस भाई ने इसके बनने का व्लॉग नहीं देखा, वीडियो नहीं देखी, तो कमेंट्स में भी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को अटैच कर दिया है, आप वहाँ जाके वीडियो को देख सकते हैं। मुलाकात होती किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने बर्ड्स का लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ की वानिल्ला।